बोले इनका अपना दुख दुख नहीं होता, निज परिताप द्रवहीन अवनीता। कहते हैं संतों का हृदय मक्खन के समान है, कभी कहना तो चाहता है लेकिन कह नहीं पाता। क्यों? क्योंकि अगर मक्खन को ताप में रखोगे तब वह पिघलेगा, लेकिन संत तो दूसरों का दुख देख करके पिघल जाते हैं, उनका अपना तो कोई दुख ही नहीं होता। निज परिताप द्रवहीन अवनीता, पर दुख द्रव ही संत सुपुनीता। इसलिए संत सबसे बड़े परोपकारी हैं, क्योंकि वो दूसरों का दुख देख करके द्रवित हो जाते हैं। इसलिए संतों की भारी महिमा है। तो नारद जी महाराज भी दुखी हो गए, जाकर के उस स्त्री से पूछा क्या बात है। तो भक्ति देवी अपने संपूर्ण दुखों को सुनाती है कि मेरा नाम भक्ति है और मेरा एक ही दुख है, इस कलयुग में अगर माँ युवा बनी रहे और वृद्ध संतान हो जाए तो इससे बड़ा माँ के लिए कोई दुख नहीं होता। अहम भक्ति तो खातो इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगे न जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है, ज्ञान वैराग्य नाम के मेरे पुत्र कलयुग के प्रभाव से वृद्ध हो गए हैं और मैं युवा बनी हुई हूँ, इसलिए आप कृपा करके कोई उपाय कीजिए जिससे कि मेरे ज्ञान और वैराग्य को युवा अवस्था प्राप्त हो जाए। क्योंकि उत्पन्ना दबिणे शाहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। द्रविण देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मैं वृद्धि को प्राप्त हुई, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता, कुछ कुछ कर्नाटक में मैं वृद्धा, मेरी वृद्धि होती रही और गुजरात देश में जाकर के मैं पुनः वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। लेकिन वृंदावनस्थ संयोगात पुनस्तम तरणे न वा धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। लेकिन मैं जैसे ही वृंदावन में आई तो मैं युवा अवस्था को प्राप्त हो गई। ऐसे वृंदावन को धन्य है जहाँ भक्ति देवी भी नृत्य करती है। तो यहाँ पर भक्ति देवी नारद जी महाराज से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु मेरा यही दुख है। नारद जी महाराज भक्ति देवी को समझाते हैं कि भक्ति महारानी, जो भगवान सबका दुख दूर करने वाले हैं, वो आपका दुख क्यों नहीं दूर करेंगे? बस अगर जरूरत है तो भाव से पुकारने की जरूरत है तो भगवान से रिश्ता बनाने की जरूरत है तो भगवान से प्रेम करने की आवश्यकता है। आपने कभी भगवान का नाम सुना है सिल पिल्ले? बोलिए, सुना है किसी ने? भक्तमाल में एक कथा आती है बहुत सुंदर, जिसमें भगवान का नाम सिल पिल्ले, किसी ग्रस्त के घर एक संत का पदार्पण हुआ। भगवान शालिक राम जी थे, तो संत उसी ग्रस्त के यहाँ पर विश्राम पाए। संत प्रातः उठकर के स्नान कर करके शालिक राम जी को स्नान कराया और बढ़िया तिलक लगाकर भोग लगाकर ठाकुर जी को सिंहासन में रख दिया। उधर से जिनके घर पर रुके उनकी छोटी सी लड़की आई और कहने लगी, बाबा मुझे तो तेरे भगवान बड़े प्यारे लग रहे, मुझे तो यही चाहिए, जब जाओ तो मेरे ताई यही देके जाइयो। बाबा ने कहा, एक छोरी ये मांगवे में शर्म ना आ रही, कोई भगवान भी मांगे है? बोले, मेरे भगवान को मांग रही है, मैं कैसे दे सकता हूँ? मैं तो भगवान को प्राणों से ज्यादा प्रेम करता हूँ।
तब बाबा ने कहा तो आज तो मैं भगवान ना दूंगा, लेकिन कल जब मैं स्नान करूं, जैसे ही पूजा करूं, तो तू आ जाना। अब संत सोचने लगे कि अब जैसे ही उपाय करूं, क्या करूं, हे भगवान कुछ दया करो। बोले भगवान मांग रही है, मैं इसे कैसे दे दूं भगवान। तो सुबह स्नान करने के लिए जैसे ही गए और बढ़िया सा गोल मटोल एक पत्थर ढूंढा और ले करके आ गए। अपने भगवान को झोली में छुपा दिया और बढ़िया से सुंदर स्नान कराकर तिलक लगाकर और कहा, लाली मैं भोग ले आई हूँ, भगवान स्नान करा दियो। भगवान को भोग लगा दिया। बोली बाबा तुमने कहा था कि मैं तुझे आज भगवान दूंगा। तो बाबा ने कहा, रे पहले भगवान को भोजन तो कर लेने दे, भोग लगाया है फिर ले लियो, भगवान कहीं भग के थोड़ी जा रहा है। बोले बाबा तुम लेके भग गए तो भगवान है। बोले तुम्हारो का भरोसा, पहले तो तुम देना रहे भगवान। बोले नहीं, भोग लगा ले फिर भगवान को दे देंगे। तो जैसे ही वो गई, अपनी झोली में से ठाकुर जी को, शारद राम जी को निकाला, भोग लगाया और पुनः झोली में डाल दिया और बुलाया, ले लाली अब ये भगवान ले जा। बोले अच्छा जी बताओ, ये भगवान का नाम क्या है, मैंने किन नाम से प्रेम करूं, मैंने किन नाम से पुकारूं। बाबा भी बड़े सोच में पड़ गए कि भगवान तो है नहीं, भगवान है नहीं, और अब नाम क्या रखूं। तो शिला उठाकर लेकर आए थे, पत्थर को ही शिला कहा जाता है। तो बाबा ने, संत ने भगवान का नाम रख दिया भगवान शिलपिल्ले, और उस लड़की को दे दिया। बोले आज से ये तेरे भगवान है, भगवान शिलपिल्ले का नाम ही तू जपना। अब उसको भगवान से बहुत प्रेम हो गया, दिन भर भगवान शिलपिल्ले भगवान शिलपिल्ले यही रटन लगा के रखी। कुछ बड़ी हो गई, जब 9 वर्ष की हुई, पहले बचपन में विवाह हो जाया करते थे, उसको पता भी नहीं था कि मेरा विवाह हो गया। वो भगवान शिलपिल्ले से इतना प्रेम करने लगे कि भगवान को ही पति रूप में चाहने लगे। भगवान से प्रेम करना, फिर भगवान से संबंध बना लेना, यही प्रेम की पराकाष्ठा है। जब किसी की संतान होती है तो उससे अत्यधिक प्रेम हो जाता है, उसका नाम रखते हैं। तो जब भगवान हमारे पास आए हैं तो भगवान का नाम रखिए, जो भी अच्छा लगता है। फिर भगवान से प्रेम करिए, भगवान से संबंध बना दीजिए। तो भगवान से पति रूप में प्रेम करने लगी। अब जब 12 वर्ष की हो गई तो पहले गोना हुआ करते थे विवाह होने के पश्चात, बाद में बड़ी हो जाती जब लड़की, तब ससुराल ले जाया करते थे गोना कराकर। तो एक दिन बहुत सारी भीड़ को उसने देखा और अपनी माँ से कहा, मैया आज इतनी भीड़ कैसे आ रही है, इतने बाजे गाजे क्या हो रहा है। तब मैया ने कहा, बेटा तेरा विवाह हो गया था बचपन में और आज तू अपने पति के घर चली जाएगी और तुझे लेने के लिए देख कितने सारे लोग आ रहे हैं। जैसे ही उसने सुना कि तेरा विवाह हो गया था, आज तेरा पति तुझे लेने के लिए आ रहा है, तुझे पति के घर जाना है, उस लड़की की आंखों से छर छर आंसू बहने लगे। विकल होकर माँ के गले से झूमकर रोने लगी। बोले माँ मैं तो पति रूप में मेरे शिलपिल्ले से प्रेम करती हूँ, मैं किसी और को पति रूप में कैसे चाह सकती हूँ, मैं किसी और को पति कैसे मान सकती हूँ। तब माँ ने समझाया, बेटा ऐसा नहीं बोलते, ये तो तेरे भगवान है, तो पूजा करती है, प्रेम तो पति से किया जाता है, तेरा बचपन में विवाह हो गया था। तो बोले मैं किसी दूसरे पति को नहीं जानती, मेरे पति मेरे भगवान मेरे सब कुछ शिलपिल्ले हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बहुत समझाया माँ ने कि बेटा तेरा घर बहुत बड़ा है, तेरा विवाह बहुत बड़े घर में हुआ है,
राजा के घर में तेरा विवाह हुआ और अगर तू नहीं जाएगी तो तेरे पिताजी की बदनामी होगी, नाक कटेगी। तू जाना और अपने साथ में तेरे शिल्पिल्ले को भी ले जाना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तब बेटी थोड़ा प्रसन्न हो गई, जल्दी से श्रृंगार कर लिया और भगवान से मन ही मन बात करने लगी। बोले, हे शिल्पिल्ले, आज हम अपने नए घर में चलेंगे, आज मैं तुम्हें अपने साथ बहुत दूर ले जाऊंगी। इस प्रकार भगवान से वार्तालाप करने लगी। कुछ देर बाद जब बारात आई है और इस बेटी का माता पिता ने पुनः से जो भी क्रिया होती है वो की और उसके बाद में सारी रस्मों को करते हुए बेटी की विदाई करी। जब पालकी में बेटी को बिठाया तो मैया ने कहा कि देख, तू बचपन से इसी घर में पूजा करती आई है और आज तो शिल्पिल्ले को ले जा रही है तो घर सूना हो गया, इसलिए तू शिल्पिल्ले को यहीं पर छोड़ के जा। तो बेटी ने कहा कि अगर इनको यहीं पर छोड़कर चली गई तो मेरे प्राण भी चले जाएंगे। जब ऐसी बात सुनी तो माँ घबरा गई और शिल्पिल्ले को झट से बेटी की गोद में दे दिया। अब कुछ दूर पर जब पालकी चली है तो उस लड़की का जो पति था वो आया। उसने सोचा, बहुत दिनों बाद, मैंने बचपन में विवाह के बाद आज अपनी पत्नी को देखा है तो क्यों ना थोड़ा नाम भी पूछ लूँ, नाम भी पता नहीं है, थोड़ी बात कर लूँ। और जैसे ही वो उससे नाम पूछता है, बात करता है, तो वो भगवान शिल्पिल्ले को ही देख शिरादे। उसने अपने पति की ओर देखा भी नहीं। जब बहुत देर तक पति बात करता रहा और जब वो कुछ ना बोली तो उसको गुस्सा आ गया। बोले, ये जब से देख रहा हूँ पता नहीं किस चीज़ को देखती है, अगर देखती है तो भगवान शिल्पिल्ले को देखती है, मुस्कुराती है तो भगवान को देखती है, बात भी करती है तो उन्हीं से करती है। शिल्पिल्ले, बोला, ये कौन सी बीमारी है, ये शिल्पिल्ले शिल्पिल्ले इसने लगा रखा है। अब उसको जब गुस्सा आई और बगल से निकल रहा था एक नदी पड़ी तो उसने उस सिंहासन को उठाकर जिसमें भगवान शिल्पिल्ले विराजमान थे उठाकर के उस नदी में फेंक दिया। अब जब नदी में फेंक दिया तो बहुत जोर जोर से रोने लगी और जब रुदन सुना तो सभी जितने भी बराती थे इकट्ठे हो गए। बोले, क्या बात है बेटा, क्यों रो रही हो। बोले, मेरे प्राणों के आधार मेरे भगवान इस आदमी ने उठाकर के नदी में फेंक दिया। उस पति ने कहा, मैंने तो कोई नहीं फेंका, मैंने तो देखा भी नहीं कौन सा शिल्पिल्ले, पर ना ही मैं जानता हूं अब गलती की है, झूठ बोल रहा है। जब बहुत देर हो गई तो उसके पिता ने कहा कि ऐसी बात तो है नहीं, तूने कुछ किया नहीं है, इतना क्यों रो रही है। अब उसको भी क्रोध आ गया, उसने कहा, पिताजी, अगर ये सच में कोई शिल्पिल्ले को रखे हुई थी और अगर ये सच में उनसे प्रेम करती है, अपने प्राणों का आधार मांगती है, अपने प्राणनाथ मांगती है, तो इसे कह दो कि जाकर नदी में से उठा करके अपने भगवान शिल्पिल्ले को लेकर क्यों नहीं आ जाती। बोले, अगर प्रेम है तो क्या भगवान प्रकट नहीं हो सकते, भगवान इस नदी में से नहीं आ सकते, क्या इसकी भक्ति में इतनी शक्ति नहीं कि ये भगवान को ढूंढ कर ले आए। तब ऐसी बात सुनी है उसने तो भगवान को करुण क्रंदन करके पुकारती है, हे नाथ, हे भक्तवत्सल प्राण आधार, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है। अगर बचपन से मैं आपसे प्रेम करती आई हूँ और अगर आज आपने मेरी पुकार ना सुनी तो जिस नदी में इसने आपको फेंका है उस नदी में आकर के कूद के मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। इसलिए हे भगवान शिल्पिल्ले, अगर कहीं भी मैंने आपसे सच्चा प्रेम किया है और अगर मेरी भक्ति में शक्ति है तो आप प्रकट होकर के इसको दिखला दो कि आप ही मेरे प्राणों के आधार हो, आप ही मेरे भगवान हैं। तो भगवान ने भक्त की पुकार सुनी तो भगवान उस नदी में से प्रकट होकर के आकर के उसको अपने हृदय से लगा लिया
और भगवान ने कहा कि मैं ही तेरे प्राणों का आधार हूँ। जहाँ भगवान से सच्चा प्रेम करते हैं, जहाँ भगवान से संबंध बना लेते हैं, तो वहाँ ऐसा कोई भी संबंध नहीं है जो ठाकुर जी हमसे निभा ना सके, क्योंकि हर रिश्ते की डोर ठाकुर जी से बंधी होनी चाहिए। संसार के भले ही रिश्ते हमें ना निभाएं, लेकिन जिन रिश्तों को उस ठाकुर ने बनाया है वो हर रिश्ते को निभाना जानता है। इसलिए ठाकुर जी से प्रेम करिए, ठाकुर जी को अपने सुख दुख हर बात सुनाइए। तब नारद जी कहते हैं कि भक्ति देवी, ऐसा कौन सा दुख है जो भगवान आपका दूर नहीं कर सकते? बस अगर जरूरत है तो भगवान को पुकारने की है, आप भगवान को पुकारिए, आपका दुख भी दूर हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ताली बजाते हुए गाइए सभी लोग। माधुर्यता और प्रभु प्रेम की प्रतिमूर्ति सीताराम एवं श्यामा श्याम की भक्ति रस से भक्तों एवं श्रद्धालुओं को सराबोर करने वाली तेजस्विनी तिष्ठिन बुद्धि एवं सुमधुर वाणी की स्वामिनी परम पूज्य बाल विदुषी कथाव्यास साध्वी भुवनेश्वरी जी महाराज से संगीत में श्री राम कथा तथा श्री भागवत कथा करवाने हेतु आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 8815061205 8989781480।